ये आंध्र प्रदेश का प्रकाशम जिला है जो कि बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे है। जून 2019 में यहाँ एक फार्मर अपने फार्मिंग करने के लिए यूकेलिप्टस की ट्री जो थी उसकी खेत में उसको उखाड़ रहा था, उसकी जड़ों को। जब उसने 2 फीट नीचे खुदाई की तो उसको एक लाइमस्टोन का पिलर मिला, छोटा सा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन हाँ एक इंसान की लंबाई के बराबर। जब उसने ये पिलर देखा तो उस पर कुछ हाफ लोटस की कार्विंग थी। उसने सोचा कि ज़रूर ये कोई देवी देवता से रिलेटेड पुरानी पुजारी लोगों की चीज़ है, और उसने पास के मंदिर में उसको प्रतिस्थापित करवा दिया। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला तो वो उस किसान से मिलने आए और उस मंदिर का उन्होंने सर्वे किया, और उनको जो वहाँ मिला था वो था 3rd सेंचुरी AD का इक्ष्वाकु राजा के काल का अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का एक स्टोन पिलर। और जब ये वेरीफाई कर लिया गया कि ये 3rd सेंचुरी AD का स्टोन पिलर जो है बुद्धिस्ट रेलिक है, नॉट हिंदू रेलिक, इक्ष्वाकु के टाइम का, आंध्र प्रदेश का और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का, तो हमारे कुछ इंडोलॉजिस्ट इंडोलॉजिस्ट जिनको इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, और आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने उनके साथ ये फ़ोटो खिंचाई। आप देख सकते हैं ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट 10 फीट के आसपास का है। यही है वो स्टोन रिलिक जहाँ से हाँ आज हमारी कहानी की शुरुआत होगी, आर्ट एंड कल्चर के सेकेंड लेक्चर की। आर्ट एंड कल्चर के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेलिंग की थी मेगालिथिक कल्चर की और चौखंडी स्तूप की। इसके अलावा हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में है वो पढ़े थे, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम लोग अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देखेंगे और उसका कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट से। फिर हम स्टूको स्कल्पचर क्या होता है और इंडिया में क्यों अभी न्यूज़ में है ये जानेंगे, और मिनी खजुराहो जो कि विदर्भ का एक टेम्पल को बोला जाता है, मार्कंडेश्वर टेम्पल को, उसके बारे में देखेंगे। और फिर हम बृहदेश्वर टेम्पल जो कि चोल राजाओं ने बनाया था उसके बारे में देख के कुछ और 3-4 आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो न्यूज़ आई हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड, उनका मुआयना हम इस लेक्चर में करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया सब्सक्राइब करके, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये निरंतर अपडेट्स आनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो सके। और मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं वो कंटेंट में काम कर रहा हूँ, बैकग्राउंड वर्क कर रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा आपको मिले और मुझे अच्छा लगे जब आप नीचे कॉमेंट्स में थैंक्स बोले मुझे और मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक रिसेंटली बुद्धिस्ट रेलिक है जिसका फीचर है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से, उसको इंडोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। इंडोलॉजिस्ट क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, इसके साथ आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, और उन्होंने ये डिस्कवरी की है रिवर गुंडलकम्मा के बैंक्स पे। यही जो एरिया है, प्रकाशम नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे रिवर गुंडलकम्मा फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यही डिस्कशन हम आगे देखेंगे, और आगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट होता क्या और यह स्टोन पिलर कैसा था। इमेज एनलार्ज करके मैं आपको पहले एक बार स्ट्रक्चर इसका दिखाना चाहता था। ये देखिए आपको पेड़ जैसा लगेगा लेकिन ये लाइम का पिलर है, लाइमस्टोन का। और ये देखिए इस पे जो लोटस दिखाया गया वो हाफ लोटस है, वो कंप्लीट लोटस नहीं है। ये लोटस इसके सेंटर पे है, इसके अलावा आप इमेज में नहीं देख पा रहे हैं लेकिन चारों साइड्स में इसके टॉप पे भी है, यहाँ 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 और पीछे की साइड भी। मोर इन द न्यूज़ क्या है, जो ये बुद्धिस्ट रेलिक अनअर्थ किया गया है, एक लाइमस्टोन का पिलर है वो आपने देख लिया, विच इज़ कार्ड विथ हाफ लोटस मेडालियंस। मेडालियन क्या होता है, किसी भी आप पेंटिंग वॉल कहीं भी टेक्सटाइल पे जो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आप रिपीट करते हो, वहाँ पे गोल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उसको मेडालियन बोलते हैं। आप गहनों में भी मेडालियन बना सकते हो। तो ये जो हाफ लोटस का मेडालियन है उसके सेंटर में है, और टॉप के जो पोर्शन है उसमें चारों साइड में, ये मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी। और इसकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट से जो इक्ष्वाकु का टाइम था उससे मैच कर रही। तो मैं आपको बताऊँगा कि इक्ष्वाकु का टाइम क्या था। देखिए अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के जो मेन पैटर्न्स थे वो तो सातवाहनज थे, लेकिन सातवाहनज का जो काल था वो 150 BC के अराउंड शुरू होके, जब उन्होंने ये मतलब शुरू किया अपना अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट, वो 150 BC पे शुरू किया, लेकिन ऑलमोस्ट 300 AD में सातवाहनज जो थे वो ख़त्म हो गए, है ना, सातवाहनज ख़त्म हो गए। और उनके बाद में उनके सक्सेसर आ गए, उसी में से एक सक्सेसर जैसे कि इक्ष्वाकु आया, वो लोकल रूलर था उस एरिया का जो आपको मैंने प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट वगैरह बताया है। वो एरिया एक्चुअली जो लोअर रिवर वैलीज हैं कृष्णा और गोदावरी की, वो इंडिया का जब आप मैप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करो क्या, इंडिया का जो आप साउथ इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे, है ना, तो यहाँ पे जो है गोदावरी फ्लो करती है और यहाँ पे कृष्णा फ्लो करती है। इन रिवर वैलीज का जो ये लोअर एरिया है जहाँ पे आपको मैंने एक तो डिस्ट्रिक्ट बताया प्रकाशम, बाकी ईस्टर्न गोदावरी वेस्टर्न गोदावरी भी यहीं पे हैं और भी कई यहाँ पे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट, इन एरियाज में जो था ये अपना डेवलप हुआ अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट। पहले वो उसके मेन पैटर्न कौन थे, सातवाहनज थे। जब लेकिन 300 AD अराउंड सातवाहनज का विनाश हो गया, जो उनका उदय था ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे आ गए वहाँ पे लोकल रूलर इक्ष्वाकु, जो कि सातवाहना के बराबर रूल नहीं करते थे बड़े एरिया में, लेकिन इस पर्टिकुलर लोकल एरिया में उन्होंने अपना
उसी आर्ट को अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट को थोड़ा और डेवलप किया। तो अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट फ्लरिश्ड इन द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश बिटवीन द लोअर वैलीज ऑफ रिवर कृष्णा एंड गोदावरी। ये यहाँ पे बताया था आपको, गोदावरी यहाँ कृष्णा दोनों के बीच में यहाँ पे वो डेवलप हुआ। ऐसे तो मेन पैटर्न इसके सातवाहना जे थे, लेकिन बाद में इसको कैरी ऑन किया, पैट्रोनाइज किया उनके सक्सेसर इक्ष्वाकु ने उस लोकल एरिया में। और ये आर्ट का अगर काल देखें तो 150 BC से शुरुआत हुई थी सातवाहना के टाइम पे, और इक्ष्वाकु का जो काल था वो 350 AD के आसपास वहाँ तक चली। इंपॉर्टेंट क्या है अमरावती आर्ट में कि एक नैरेटिव आर्ट है। नैरेटिव आर्ट का मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बता दिया है, कहानी बताना एक आर्ट के थ्रू। मेडेलियंस इस तरह से कार्व किए जाते हैं कि एक वो ओवरऑल एक नेचुरल वे में आपको लाइफ की एक स्टोरी बताते हैं। वही मैंने आपको बताया था, एक में अपने हाथ जो है वो अपना हिलाया और दूसरे में आपके फ्रेंड ने आपको हाथ वेव किया, दोनों ने वेव किया, फिर आपने हग किया और फिर आप खाना खाने चले गए। तो एक स्टोरी डिपिक्ट होती है, इसको बोलते हैं नैरेटिव आर्ट, वो मेडेलियन के थ्रू की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल भी मैंने एक पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट जो है वहाँ पे अमरावती का स्तूप, वहाँ पे एक दिखाया गया है कि बुद्ध जो हैं सब्जुगेट कर रहे हैं एक एलिफेंट को। तो वही उसी का एग्जांपल दिया गया, जैसे टेमिंग ऑफ एन एलिफेंट बाय द बुद्ध। ये एक पर्टिकुलर एक इमेज नहीं है, इसमें पूरी एक स्टोरी है कि एलिफेंट कैसे आया, क्या हुआ, फिर उसको कैसे उन्होंने टेम किया, उसका ये एग्जाम्पल हो गया। एक और खासियत आप याद रख लीजिए कि अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट में प्रोमिनेंस है ह्यूमन फिगर्स की। नेचर से ड्रॉन फिगर जैसे आकाश बना दिया, पानी बना दिया, बारिश बना दी, ऐसे इमेजेस कम हैं, ह्यूमन फिगर की हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरे ऑफिस में जब पहले काम करता था, मेरे जो पूरे फ्लोर के सीनियर थे, ही वॉज ए वेरी बिग मैन, तो ही आई बॉट ए फोन, ओके। तो ही आस्क्ड मी कि अभिनव, सॉरी हाँ ठीक है नाम जान लिया अपने, ओके दिल्ली मुंबई चलेगा कोई नहीं। तो ही आस्क्ड मी कि यू गॉट ए न्यू फोन, सो क्लिक सो मी सम नेचर पिक्चर यू हैव टेकन। तो व्हाट आई डिड, मैंने पकड़ के वो फ़ोन उन्हीं का चेहरा फोटो खींच के दे दिया कि क्या आप भी तो नेचर है ना, नेचर का पार्ट है। तो उन्होंने बोला नहीं है, मुझे आसमान दिखा। तो वही नेचर के फिगर बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे पहाड़, पर्वत, झरना, उनका कम प्रोमिनेंस होता है, ह्यूमन फिगर का होता है ना। टेक्निकली ह्यूमन फिगर इज ऑल्सो नेचर फिगर ओनली। तो अब मैंने आपको बोला था कि हम कंपेयर करेंगे गांधारा स्कूल ऑफ द आर्ट मथुरा का और अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट का। तो देखिए, एक है गांधार, ये पहले जो अब जो कंधार हो गया वहीं पे गांधार था। अब इसकी डिटेलिंग जो है कि गांधार और तक्षशिला ये सब क्या थे, मैंने आपको ये तमिलनाडु वाली बुक में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, डिटेलिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। एक हुआ मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट, एक हुआ अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट। ये चीज़ें ऐसे आपको नितिन सिंघानिया से भी पढ़नी है, लेकिन जो यहाँ पे है मैं बताऊँगा। इन्फ्लुएंस क्या है, जो गांधार स्कूल ऑफ द आर्ट है वो आपके नॉर्थ वेस्ट में था। आप इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो जो आपका गांधार स्कूल ऑफ द आर्ट था वो ये नॉर्थ वेस्ट में डेवलप हुआ, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे उस पर इन्फ्लुएंस किसका है, ग्रीक और हेलेनिस्टिक फीचर का बोल, हेलेनिस्टिक और ग्रीक। ग्रीक तो आपको सबको पता है, ग्रीस से आया अलेक्जेंडर द ग्रेट वगैरह, यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है, लेकिन हेलेनिस्टिक कई लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की 300 समथिंग में डेथ हो गई BC में, तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद और फिर रोमन एम्पायर जब बाद में बना, उसके आने के बाद जो पूरा मेडिटेरेनियन एरिया है, मतलब ईस्टर्न जो यूरोप है, वहाँ पे जो चला डायनेस्टी, जो पीरियड चला, बोलिए पीरियड जो चला, उसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक पीरियड, ठीक है। उसी एरिया से, मेडिटेरेनियन एरिया में ही, ग्रीक वाला थोड़ा पहले का हो गया, अलेक्जेंडर के बाद जो आया वो बोला गया हेलेनिस्टिक एरा। तो इनका आपके गांधार स्कूल ऑफ द आर्ट पे इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है। तो जब मथुरा और अमरावती की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मथुरा आपके कहाँ पे है, यहाँ पे है यूपी में, अमरावती कहाँ पे हो गया, ये एरिया में, ये एरिया आपके इंडिजिनस है। मटेरियल क्या यूज़ करते थे ये लोग, जो था यहाँ वाले नॉर्थ वेस्ट वाले गांधार स्कूल वाले, ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते थे। सैंडस्टोन भी रेड हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, तो वो लोग ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते थे। लास्ट में आपको इमेजेस एक बार दिखा दूंगा ताकि दिमाग में फिट हो जाए। अगर मैं कोई डिटेलिंग देता हूं, तो इसका ये मीनिंग नहीं कि वो पक्का एग्जाम में आएगा। मेरा क्या आइडिया है कि जब आपको बहुत नॉलेज होती है तो आप एग्जाम में चीज़ें एलिमिनेट कर पाते हो, आंसर ला पाते हो। आपको प्री में क्या करना है, आंसर लाना है, और जब आपको बहुत नॉलेज होती हो तो आप एक नॉलेजेबल इंसान बनते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, सही बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते थे गांधार वाले स्कूल ऑफ द आर्ट में, और जो मथुरा वाला है उसमें रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे। ये बीच का जो एरिया है पूरा, इसमें बलुआई पत्थर यूज़ करते थे, रेड सैंडस्टोन। और फाइनली जो अमरावती वाला एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्बल वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए वाइट मार्बल यूज़ करते थे, वाइट मार्बल। ताजमहल भी बना हुआ वाइट मार्बल से, बाय द वे विक्टोरिया भी बना हुआ वाइट मार्बल से। ये सब मार्बल जो आता है ताजमहल वगैरह का, मरकाना नाम की जगह है राजस्थान में, वहाँ से आता है। रिलीजियस टोन्स अगर देखेंगे तो कैसा टोन है,
देखिए, गांधार स्कूल तो मेनली बुद्धिस्ट ही हैं, क्योंकि उनको बुद्धिज्म में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि कुषाण वगैरह नहीं बनाया था, पैट्रन जो थे इसके कुषाण थे, और कुषाण को बुद्धिज्म में बहुत इंटरेस्ट था। अब कुषाण के बारे में डिटेलिंग आपको तमिलनाडु वाले में कराऊंगा, सातवाहना की डिटेलिंग आपको तमिलनाडु में कराऊंगा, यहाँ पे नहीं कराऊंगा मैं। तो ये जो मथुरा वाली है उसमें खासियत यही है आपको जो याद रखनी है, जो कि यूपीएससी के प्री में बिल्कुल आ सकता है, जैसे अजंता एलोरा में आ सकता है कि किस में से तीनों रिलीजन हैं और किस में खाली बुद्धिस्ट है। तो जो अजंता होती है उसमें खाली बुद्धिज्म की चीज़ें हैं, और जो एलोरा है उसमें वहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों की चीज़ें हैं। ये डिफरेंसेज आपको याद रखने पड़ते हैं। तो जो मथुरा वाला है इम्पैक्ट, उसमें कौन कौन से हैं, बुद्धिज्म के भी हैं, हिंदू के भी हैं, जैन के भी हैं, मतलब हमारी कंट्री में तीनों ने फ्लरिश किया मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट में। और जो अमरावती चले जाएं साउथ में, तो मेनली बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन थे, सातवाहनाज ने और बाद में इक्ष्वाकु ने इसको संरक्षण दिया था। और यहाँ पे दोनों सिमिलर हो गए, ये भी मेनली बुद्धिस्ट हो गया गांधार वाला, और अमरावती भी मेनली बुद्धिस्ट हो गया। पैटर्न तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गांधार ऑफ द स्कूल ऑफ द आर्ट के पैटर्न कुषाण थे, और जो मथुरा वाले के थे वो भी कुषाण ही थे। देखिए, कुषाण आए इधर से आए हैं ना, यहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म वाला बनवाना शुरू किया, और जब वो मथुरा में आए तो उनको थोड़ा इंडिजिनस कल्चर से प्यार हो गया, वहाँ पे उन्होंने तीनों रिलीजन के बनवाने शुरू किए। तो दोनों के पैटर्न कुषाण ही थे, गांधार के और मथुरा के, लेकिन जो साउथ वाला जो अमरावती है उसके तो सातवाहन थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस कैसे करते हैं, अगर आप ये गांधार स्कूल ऑफ द आर्ट देखेंगे तो आपने देखिए वो इमेजेस देखी होंगी, ग्रीस वाली कैसी होती हैं, उनके घुंघरेले बाल होते हैं और बियर्ड दिखाते हैं, मॉस्टिक दिखाते हैं, तो ये सब होता है। स्पिरिचुअल इमेजेस लेके होते हैं, आँखें जो होंगी हाफ क्लोज्ड रहेंगी, जैसे कोई मेडिटेट कर रहा हो, और वहाँ के जो फिलासफर वगैरह होते थे, एरिस्टोटल वगैरह भी, उनके भी इमेजेस आपको ऐसे ही मिलेंगे। बुद्धा को भी वैसे ही दिखाते हैं, वेवी हेयर होगा, घुंघरेले बाल, बियर्ड दिखेगी आपको और मूंछें दिखेंगी। और फिर आप जब चले आओगे मथुरा वाले में तो आपको बुद्धा के डिलाइटेड इमेजेस होंगे, है ना, एकदम हर्ष से डूबे हुए, और उनकी कोई बियर्ड और मॉस्टेक नहीं दिखाएंगे। तो कल को आपका मम्मी अगर आपको बोलती है कि नहीं बेटा बियर्ड और मॉस्टेक मत रखो, अदरवाइज टेररिस्ट लगते हो, तो आप बोल सकते हो कि हमारे मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट में भी तो नहीं था, आप ये मुझे फॉरेन की चीज़ें क्यों सिखा रहे हो। और जो अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट है उसमें मेनली ये होता है कि डिपिक्शन ऑफ जातक का स्टोरी होता है, जो कि बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज होती हैं। एक प्यारा सा इमेज दिखाता हूँ आपको, ये गांधार स्कूल ऑफ द आर्ट है, इसमें मेनली बुद्धिस्ट आपको बताया था। ये आप यहाँ पे आपको बियर्ड नहीं दिख रही तो आप निराश मत होइए, आपको ग्रे सैंडस्टोन दिख रहा है ना। अच्छा, एक बात, गांधार वाले में ग्रे सैंडस्टोन भी हो सकता है, ब्लू सैंडस्टोन भी हो सकता है, ब्लू सैंडस्टोन भी हो सकता है, देखिए ऐसा वाला। ये सारे गांधार वाले हैं, इनके बालों को देखिए, है ना, घुंघरेले बाल, जैसे एरिस्टोटल बैठा हुआ हो। तो ये वाला गांधार स्कूल ऑफ द आर्ट है, आपको बियर्ड नहीं दिखे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हेलेनिस्टिक आर्ट का भी तो इम्पैक्ट है ना, आप देखिए इनके कैसे हैं, बियर्ड कभी छोटी भी हो सकती है, कभी नहीं भी दिख सकती है। देखिए, सारे मेडिटेट कर रहे हैं, आँखें अर्ध खुली हैं। ये मथुरा वाला है, इसमें जो है तीनों रिलीजन का इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर आप शक्ति वगैरह का देख रहे हैं, लेकिन ये मतलब बुद्ध भगवान का है, तो आप देख रहे होंगे काफ़ी डिलाइटेड मूड में खड़े हैं, बड़े आराम से। आपको एनसीईआरटी की फाइन आर्ट जो है उसमें पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे इमेजेस मिलेंगे इसके। और ये देखिए, अमरावती में पूरी की पूरी एक जातक का स्टोरी, यही होता है, बहुत कुछ हो रहा है इस इमेज में, इधर भी कुछ हो रहा है, इधर भी कुछ हो रहा है, इधर भी कुछ हो रहा है, कहानी है। स्टुको आर्ट वाले टॉपिक के पहले मैं आपको फनीगिरी दिखाना चाहूँगा। फनीगिरी जो है, फनीगिरी एक बुद्धिस्ट साइट है सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में, और जो सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट है वो तेलंगाना में है। अब ये आप मत मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है तेलंगाना में, तो इधर आंध्र प्रदेश होगा, ओके, इतना ही मैप में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में फनीगिरी नाम की जगह है, वो एक बुद्धिस्ट साइट है, वहाँ पे काफ़ी सारे चैत्य विहार और बहुत कुछ पाया गया, बुद्धिस्ट रिलिक वगैरह। ये जो साइट है इट डेट बैक टू 1st century BC, काफ़ी पहले का है ना, और ये फनीगिरी एक छोटा सा वहाँ पे गाँव है। बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे मैसिव स्तूप भी है, और इसके अलावा देख लीजिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट में एक इंस्क्रिप्शन में एक स्टोन यहाँ पे आपको मिल रहा है, और यहाँ पे दो लार्ज फुट प्रिंट्स हैं, और माना जाता है कि वो फुट प्रिंट जो हैं गौतम बुद्ध से बिलोंग करते हैं। ये फनीगिरी का आपने डिस्क्रिप्शन देख लिया, अब हमारे टॉपिक पे चले आइए, अब चले आइए न्यूज़ पे। तो स्टुको स्कल्पचर की बात हो रही है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने यहीं पे फनीगिरी में तेलंगाना में एक स्टुको का बना हुआ स्कल्पचर डिस्कवर किया है, अनअर्थ किया जमीन के अंदर से। और ये जो इमेज है, जो स्कल्पचर है, वो एक वन ऑफ द बोधिसत्वज की है, बोधिसत्व की डिटेलिंग नितिन सिंघानिया से करनी है, ठीक है। मेकिंग इट द इन द कंट्री द लार्जेस्ट स्टुको स्कल्पचर एवर फाउंड, इससे बड़ा स्टुको स्कल्पचर हमें आज तक नहीं मिला था। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि मिला क्या, आपको लग रहा होगी बड़ी एकदम शानदार सी चीज़ मिली होगी, ऐसा नहीं है। देखिए ये मिला है, जब आपने ज़मीन खोदा तो आपको यह स्टुको स्कल्पचर मिला, जो कि एक बोधिसत्व की है, और काफ़ी मतलब टूट फूट गया है, क्योंकि ये कब का है आपको पता है, ये 1st century BCE का है, इसलिए इतना पुराना है। फनीगिरी हिलॉक के बारे में मैंने आपको वहाँ से विकिपीडिया से भी इंट्रोडक्शन दिया था, ये भी दे रहे हैं तो हम यहाँ भी सुन लेते हैं। एक ये प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है तेलंगाना में,
उसमें रेलिक्स जो है डेटिंग बैक टू फर्स्ट सेंचुरी एडी। देखिए मैं आपको बताता हूँ विजन कैसे मटेरियल बना के मिस्टेक्स भी करता है, रियली सॉरी विजन। फर्स्ट सेंचुरी एडी लिखा हुआ है ना, डेटिंग बैक टू फर्स्ट सेंचुरी एडी, उसके मतलब पहले का नहीं होगा, यही कहने का मीनिंग है। पुराना वाला ही बताएंगे ना जब डेटिंग बैक टू बोलेंगे, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी का बताया हुआ है। और जो एक्सकवेशन की गई थी 2001 में की गई थी। अच्छा, फर्स्ट सेंचुरी एडी आप याद रख लीजिए, विकीपीडिया पे फर्स्ट सेंचुरी बीसी लिखा हुआ था। दो, इस जगह का जो स्कल्पचरल वेल्थ है उसको आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन है उसके स्कल्पचर के डिज़ाइन में, वेल्थ के डिज़ाइन में, सातवाहन पीरियड से इक्ष्वाकु पीरियड तक। मतलब जो इक्ष्वाकु पीरियड आया तब तक ये चल रहा था स्टूको स्कल्पचर वहाँ पे इस एरिया में, कौन से एरिया में, फनीगिरी वाले एरिया में। लेकिन इसकी शुरुआत तो सातवाहन पीरियड से ही हो गई थी, आपको वो ट्रांजिशन मिलेगी खोदने पे वहाँ पे। अब जो है वहाँ की जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि यहाँ पे फनीगिरी में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, बुद्धिस्ट रेलिक हैं, मोनास्ट्रीज हैं, विहार हैं, चैत्य हैं, स्तूप हैं, कॉन्ग्रेगेशन हॉल हैं, इतना कुछ है, तो गवर्नमेंट की जो, हमारे गवर्नमेंट की जो बुद्धिस्ट सर्किट है उससे क्यों ना कनेक्ट कर दें इसको, वो कोशिश कर रहे हैं। अब बुद्धिस्ट सर्किट की जो बात आएगी वो मैं आपको कहाँ पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको गवर्नमेंट की स्कीम में पढ़ाऊँगा, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर एक महास्तूप भी है जिसमें कि एप्साइडल चैत्य गृह भी हैं। महास्तूप तो है ही, एक स्तूप तो आप जानते हैं ये जो डिजाइनिंग होती है, और एक एप्साइडल चैत्यगृह भी है, गृहस भी है, मतलब बहुत सारे हैं। बुक में पढ़ते हैं आप इग्नोर कर देते हैं एप्साइडल मीनिंग क्या होता है। एप्साइडल मतलब कि यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो, कई चर्चेज वगैरह में आपको दिखेगा तो उसकी वॉल ऐसे होती है ना, वॉल ऐसे होती है लाइन से, ये सही से ड्रॉ नहीं हो रहा, ओके, वॉल ऐसे होती है लाइन से। एक्चुअली क्या है कि मैं लैपटॉप में काम करता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत तो हो गया, आप समझ रहे होंगे, ऐसे वॉल्स होती हैं ऐसी, है ना, और यहाँ से आप एंट्री लेते हो, तो ये एप्साइडल होता है। लेकिन कोई नहीं, ड्रॉ नहीं कर सकता तो क्या, मैं आपको दिखाता हूँ ना रियलिटी। देखिए एप्साइडल ऐसा होता है, ये पार्टिकुलरली बुद्धिस्ट वाला है, चैत्य का इमेज है, ये एप्साइडल ऐसा होता है। अगर आप चर्चेज वगैरह में देखो तो ऐसा हो, कुछ मॉडर्न बड़े बड़े हॉल भी ऐसे क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना, बड़ा सुंदर सा होता है ये। तो मौका कैसे छोड़ दूँ आपको पढ़ाने के लिए, मैं अजंता एलोरा गया था तो मैंने ये खुद की इमेज ली हुई है वहाँ पे जाके, यही होता है एप्साइडल, देख रहे हो आप, ऐसे बार बार जो ये रेखाएं लगी हुई हैं, आप यहाँ से घूमते हो, ये लंबा सा जो हॉल बनता है यही एप्साइडल है, ये भी एक वहाँ का चैत्य है, विहार नहीं है, इसमें कोई रहेगा थोड़े ना, चैत्य है, यहाँ पे पूजा करने के लिए है, विहार में रहते हैं और चैत्य में पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ओके। तो क्या क्या है यहाँ पे, एक महास्तूप है, एप्साइडल चैत्य गृह हैं ढेर सारे, वोटिव स्तूपाज, वोटिव मतलब होता है शपथ लेना, मतलब स्तूपा जहाँ पे आप मतलब पूजा पाठ करोगे उसकी बात हो रही है, इसलिए वोटिव लिख दिया, पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स करते हैं चीज़ों को। पिलर्ड कॉन्ग्रेगेशन हॉल, कॉन्ग्रेगेशन हॉल जहाँ पे लोग जमा होंगे उसमें पिलर्स लगी होंगी, इसकी बात हो रही है। बिलोंगिंग टू सातवाहन पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी हैव बीन फाउंड हियर। अब वहाँ पे लिखा था फर्स्ट सेंचुरी एडी, यहाँ पे लिखा फर्स्ट सेंचुरी बीसी, तो विकीपीडिया वॉज राइट, फर्स्ट सेंचुरी बीसी सातवाहन के पीरियड से यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है। साइट जो है बिगेस्ट ट्रेनिंग सेंटर था और ध्यान केंद्र था बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, वहाँ पे आते थे और ऑलमोस्ट 200 विहार थे यहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे, मेडिटेट करते थे, ट्रेनिंग लेते थे अपनी, और यहाँ पे इसी हिलॉक पे वो चीज़ें बनी हुई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि स्टुको आर्ट होता क्या है। देखिए आपके घर की वॉल्स हैं, है ना, घर की रूम की वॉल्स हैं, उस पर आप वॉल पर पेंटिंग करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो स्टुको आर्ट का। होता क्या है, स्टुको इज यूज एज ए डेकोरेटिव कोटिंग फॉर वॉल्स, कोटिंग फॉर वॉल्स एंड सीलिंग्स, छत पे भी कर सकते हो ऊपर के, कोई इशू नहीं, और साथ ही साथ वॉल को डेकोरेट करने के अलावा स्कल्पचर एंड आर्टिस्टिक मटेरियल में भी यूज कर सकते हो। तो वो जो स्टुको आपको मिला है बोधिसत्वा का, कोई वॉल पे नहीं है, वो स्कल्पचर के लिए है। तो ट्रेडिशनल स्टुको की जो बात करेंगे, जो पुराने टाइम से थी, एंशियंट टाइम से, उसमें क्या यूज करते थे, लाइम यूज करते थे, सैंड यूज करते थे और वाटर यूज करते थे, सिंपली लाइम सैंड वाटर यूज करते थे और बना लेते थे स्टुको का मटेरियल। अभी जो मॉडर्न स्टुको है, अभी ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें क्या यूज करते हैं, मॉडर्न पोर्टलैंड सीमेंट, सैंड एंड वाटर, तो सैंड एंड वाटर तो कॉमन रह गया, लेकिन पहले लाइम यूज करते थे, उसकी जगह अब हम लोग आर्टिफिशियली जो बनाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट वो यूज करते हैं। इसकी खासियत ये है कि कैसे इतना हार्ड हो जाता है, कैसे ये 2000-3000 साल रह जाता है, कि जब ये सरफेस वेट होता है, मतलब जब आप उस पर ड्राइंग वगैरह करते हो, जो बनाते हो, जो अपना वहाँ पे आर्ट ड्रॉ करते हो, तो फिर क्या करते हो, एज ए प्लास्टरिंग मटेरियल इट इज़ अप्लाइड वेट। ये जो आपका बना है स्टुको वो प्लास्टरिंग मटेरियल बन गया, और उसको गीला करके आप उस पर अप्लाई कर देते हो अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। इससे क्या होता है कि बहुत वो हार्ड हो जाता है, एक तरह से आप जब घर बनाने जैसा है, सीमेंट का तो काम ही होता है ना। इंडियन आर्किटेक्चर में स्टुको का मटेरियल जो है स्कल्पचर में खास करके किया गया, इंडियन आर्किटेक्चर में, ये याद रखना आप, इंडियन आर्किटेक्चर के वर्क में या इंडियन आर्किटेक्चर में
स्कल्पचर के वर्क में मेनली यूज़ किया गया है स्टूको का मटेरियल, वॉल पेंटिंग के लिए कम यूज़ किया गया है। स्टूको आर्ट जो है अगर सबसे पहले देखेंगे तो गंधार का जो रीजन था उसमें हुआ था, मैंने गंधार का रीजन तो आपको बता ही दिया है मैप से। पेशावर और नॉर्थ पाकिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे स्टूको आर्ट सबसे पहले शुरू हुआ था, और मेनली ये मोनास्ट्री के कॉम्प्लेक्सेज में यूज़ किया जाता था। वहाँ पे ध्यान वगैरह कर रहे हैं तो उनको थोड़ा आर्टिस्टिक चीज़ें भी देखने की ज़रूरत होती थी। अगर आप एग्जांपल ले लो तो नालंदा देख रहे हैं आपने, नालंदा का स्कल्पचर आर्ट, नालंदा बिहार में आपको पता है, और विक्रमशिला भी बिहार में ही है, अभी वो भागलपुर जिला है। तो ये नालंदा और विक्रमशिला जो है वहाँ पे स्टूको का आपको आर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी मोनास्ट्रीज हैं, है ना। तो मोनास्ट्री में स्टूको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता था। फिर जो द्रविड आर्किटेक्चर है टेम्पल का साउथ का, उसमें भी आपको हंड्रेड्स ऑफ स्टूको फिगर्स यूज़ किए हुए दिख जाएंगे टेम्पल के विमान को सजाने के लिए। टेम्पल का विमान क्या होता है मैंने आपको बताया है क्या, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में जो द्रविड आर्किटेक्चर होती है उसमें जो टेम्पल का जो शिखर होता है, लॉफ्टी शिखर जो होता है, उसको ही विमान बोलते हैं। इसको अलग से पढ़ाया जाएगा, ये आप नितिन सिंघानिया से रेफर करिए। ये स्टैटिक पोर्शन है, टेम्पल के कितने टाइप होते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं, नॉर्थ वाला और फिर एक बीच वाला जो है, और उसके बाद साउथ वाला, फिर कोणार्क का, सब अलग अलग हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ से, है ना। इसके पहले कि मैं आगे चलूँ टॉपिक में, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा। ये जो रेड कलर का आप एरिया देख रहे हैं ये गाचिरोली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। इसके राइट साइड में छत्तीसगढ़ है, और इसके नीचे जो साउथ में है तेलंगाना है, और इसके नॉर्थ में मध्य प्रदेश है, और खुद तो ये महाराष्ट्र में है। ये जो महाराष्ट्र के ईस्टर्न बॉर्डर पे जो गाचिरोली है ये बहुत ही नक्सल अफेक्टेड एरिया है, और ये पूरा जो जंगल वाला कॉन्सेप्ट है उनका नक्सलिज्म का, ये पूरे एरिया में फैला हुआ है, और इसमें कई बार नक्सल अटैक हुए हैं, और काउंटर में पुलिस फोर्सेज ने भी उन पर अटैक किया है कई बार। ये गाचिरोली जो डिस्ट्रिक्ट है वो महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में पड़ता है। तो जब मैं आपको विदर्भ रीजन का मैंने अपने नाम ले लिया हमने, तो महाराष्ट्र के कौन कौन से और रीजन है और विदर्भ रीजन क्या है इसका हम एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ब्लू कलर में, लाइट ब्लू में, वो अमरावती डिवीज़न है, और जो आप डार्क ब्लू में देख रहे हैं वो है आपका नागपुर डिवीज़न। ये दोनों डिवीज़न महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में आते हैं। यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इधर पहाड़ होने के कारण वेस्टर्न घाट से जो हवाएं आती हैं बारिश लेकर साउथ वेस्ट मानसून में, वो यहाँ पहुँच नहीं पाती, तो इस रीजन में काफ़ी पानी की किल्लत है, गरीबी है, खेती ठीक से हो नहीं पाती। लेकिन फिर भी ये बहुत हेरिटेज रीजन है, फॉरेस्ट्री वाला रीजन है, तो यहाँ पे बहुत कुछ है जो इम्पॉर्टेंट है। टडोबा अंधेरी टाइगर प्रोजेक्ट विदर्भ रीजन में है, मेलघाट टाइगर रिजर्व विदर्भ रीजन में है, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवेगांव नेशनल पार्क भी यहीं पर है। इसके अलावा नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, एक कर हंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, और एक पेंच टाइगर रिजर्व है जो ऊपर से मध्य प्रदेश में भी है और नीचे से महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में भी है। ये एक ओनली टाइगर रिजर्व है, प्रीमियर टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया के दो स्टेट में इसके पैर फैले हुए हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं देखिए, कम्युनल ट्रबल्स हैं यहाँ पे, है ना, सूखा पड़ता है, मेल न्यूट्रिशन है, पॉवर्टी है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग अपना डिमांड कर रहे हैं कि एक जो है आप हमें जो अलग स्टेट ही बना दो ताकि हम अपनी डेवलपमेंट कर सकें। तो आप ये बात को समझ गए विदर्भ रीजन की प्रॉब्लम क्या है और उसमें कौन कौन सी जगहें आती हैं। अच्छा, जो स्टेटहुड की डिमांड है उसका अपोजिशन शिवसेना बहुत करती है, वो महाराष्ट्र की यूनाइटेड रखना चाहती है। थोड़े से डिस्ट्रिक्ट के मैं नाम ले लेता हूँ, आपको बताऊँगा उपयोग क्या है इसका। देखिए, अमरावती डिवीज़न में अकोला, अमरावती, बुलदना, यावतमल और वाशिम नाम की जगहें आती हैं, और नागपुर डिवीज़न में भंडारा, चंद्रपुर, गाचिरोली जो कि इसका नाम ले रहा हूँ, गोंडिया, यहाँ भी नक्सलिज्म वगैरह है, नागपुर आता है और वारधा आता है जो कि महात्मा गांधी के कारण फेमस है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, टोटल यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए, राइट। नेक्स्ट है मराठावाड़ा रीजन। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का मराठावाड़ा रीजन है, तो ये देखिए इसकी जो बाउंड्री है यहाँ तो तेलंगाना से मिल रही है, मध्य प्रदेश से नहीं मिल रही, छत्तीसगढ़ से नहीं मिल रही जैसे कि विदर्भ की मिल रही थी, लेकिन इसकी बॉर्डर जो है वो इसका कर्नाटक से ज़रूर मिल रहा है। ये मराठावाड़ा रीजन जो है इसकी बहुत खासियतें हैं, पॉलिटिकल रीजन भी है और भी बहुत कुछ है। पहले तो ये जान लीजिए कि कॉन्साइड किसके साथ करता है, औरंगाबाद डिवीज़न के साथ, जहाँ पे आपको अजंता, एलोरा और बीबी का मकबरा मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। यहाँ पे लैंग्वेजेज जो बोली जाती हैं वो मराठी और दखनी, जो वहाँ की निज़ाम वगैरह की लैंग्वेज थी वो भी बोली जाती है। अगर मैं आपको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बताऊँ, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, प्रभनी, लातूर बहुत फेमस, जहाँ पे पानी की कमी हो गई थी आपको याद होगा, ट्रेन से भेजना पड़ा था, उस्मानाबाद और नांदेड़, वागला, ये जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। अब चले आइए महाराष्ट्र के खंडेश रीजन में। खंडेश रीजन जो है आपके पेनिनसुलर इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बताता है, बाउंड्री बताता है। ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ में है और वेस्टर्न पार्ट है, तो प्लेटू का आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बताता है। इसकी खास जियोग्राफिकल फीचर ये है कि यहाँ पे तापी रिवर बहती है और इसके नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है,
ईस्ट में बेरार है, बेरार वही विदर्भ में ही आता है, बेरार जो है वरहाड उसको विदर्भ में बोला जाता है, और साउथ में यहाँ पे अजंता हिल्स हैं जो कि मराठवाड़ा रीजन से बिलोंग करती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये एक बार यूपीएससी में आ चुका है। अजंता हिल्स यहाँ पे हैं, अजंता एलोरा से रिलेट मत कर दीजिएगा प्लीज़, अजंता हिल्स हैं यहाँ पे, ओके। और जो वेस्ट में क्या है इसके, ऑब्वियसली यहाँ पे वेस्ट में क्या होगा, गुजरात से आया हुआ वेस्टर्न घाट होगा जो कि महाराष्ट्र में भी एंटर करता है। तो ये जो रीजन है खंडेश, इसकी एक खासियत है, पहले तो ये कि देखिए आप गुजरात के बाउंड्री से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है और महाराष्ट्र में आ रहा है। खासियत क्या है कि खंडेश रीजन खाली एक महाराष्ट्र में नहीं है, जो आप डार्क ब्लू देख रहे हैं वो खंडेश रीजन महाराष्ट्र में है, और जो लाइट ब्लू वाला खंडेश रीजन देख रहे हैं वो है बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। अगर इनके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्रीवियसली खंडेश रीजन को नॉर्मली दो डिस्ट्रिक्ट में ही डिवाइड किया गया था, एक था वेस्ट खंडेश और एक था ईस्ट खंडेश। बाद में अभी इस रीजन में धूले, नंदरबार, जलगांव डिस्ट्रिक्ट हैं, यही धूले में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था, तो ये खंडेश रीजन है। अब चले आइए हमारे कोंकण रीजन पे, जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र का, उसमें कोंकण रीजन है, और इसमें काफ़ी अल्फांसो मैंगो वगैरह यहीं से आता है। कोंकण रेलवे भी काफ़ी फेमस है, घूमने के लिए जा सकते हैं, बहुत ही कौतूहल वाला है। इसको ब्रिज बनाने में ही कोंकण रेलवे के मुझे लगता है 400-500 लोगों की जान चली गई थी, इट वॉज सो डिफिकल्ट। कोंकण रीजन कोस्ट लाइन पे आएगा वेस्टर्न कोस्ट पे, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट के, है ना। यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, थोड़ी इनकी कल्चर भी डिफरेंट है, और इट इज वेस्ट, ये जो कोस्ट है उसको कर्नाटक में आप कैनरा बोलते हैं, है ना, कैनरा बोलते हैं, उधर तो कोंकण बोलते हैं, महाराष्ट्र में गोवा में नीचे कैनरा बोलते हैं। दमनगंगा रिवर जो है वहाँ से लेके, दमनगंगा रिवर कहाँ पे है, ये गुजरात में आता है ना, दमनगंगा रिवर से लेके ये नीचे तक गंगावली रिवर तक साउथ में जाता है, इसको बोलते हैं कोंकण रीजन। उसके नीचे आपका कर्नाटक आ जाएगा, वहाँ पे उसको कैनरा कोस्ट बोल देंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि पहले जो सप्त कोंकण था पुराने टाइम पे, वो पूरा गुजरात से केरल तक काउंट करते थे, बाद में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बारे में ये देख लीजिए कि कोंकण वाले में कि डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, देखिए पालघर, थाने, वेरी इंपॉर्टेंट, पालघर, थाने, मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट भी वहीं पे आएगा क्योंकि वो भी तो कोस्ट पे है, मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट भी वहीं पे आएगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहीं पे आएगा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अल्फांसो आम लेकर आओगे आप, सिंधुदुर्ग, गोवा जो है स्टेट वो भी कोंकण में ही आता है, उत्तर कन्नड़ जो कर्नाटक का है वो भी कोंकण रीजन में आता है, उडुपी जो कर्नाटक का, और दक्षिण कन्नड़ जो है, उत्तर कन्नड़ जो है एरिया यहीं पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है कर्नाटक में, और काफ़ी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी होते रहते हैं, और मालप्रभा रिवर वाला जो इशू है वहीं उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेटेड है, पानी की पीने की कमी है। उडुपी और दक्षिण कन्नड़, ये सब जो गोवा पूरा स्टेट आ गया कोंकण में, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक के आ गए, बाकी जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताया वो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भी ऐसा रीजन है जो तीन स्टेट में फैला हुआ है, बल्कि गुजरात वाला भी आप काउंट कर लो दमनगंगा से, तो चार एक तरह से बोल सकते हो आप। अब जो हम लोग लास्ट रीजन देखेंगे वो है पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र को हम नॉर्मली देश भी बोलते हैं, देश भी बोलते हैं, और इसके अंदर ये देखिए बड़ा सा एरिया है। कोंकण मैंने आपको बता दिया, मराठावाड़ा बता दिया, विदर्भ बता दिया, और यहाँ पे जो मैंने आपको क्या बताया था आपको याद होगा, खंडेश बताया था, राइट। तो अब लास्ट वाला जो रीजन है वो उसको वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र या देश बोलते हैं। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं पुणे, वेरी फेमस, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है क्या है वो पुणे के अंदर आता है सारा। देखिए यहाँ पे शुगर की फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, क्यों है ज़्यादा, क्योंकि आप वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, गुड इरिगेशन है, लोग यहाँ के काफ़ी अमीर हैं। तो कन्फ्लिक्ट यही है पश्चिम महाराष्ट्र का, और कन्फ्लिक्ट है विदर्भ का। मराठावाड़ा तो फिर भी उतना अमीर नहीं है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ का बहुत कन्फ्लिक्ट है, और दोनों को आपस में जलन है, ऑब्वियसली विदर्भ को जलन होगी। और एक पॉलिटिकल रीज़न देखिए क्या है, ये जो विदर्भ रीजन है यहीं पे शरद पवार की पूरी फैमिली फ्लरिश करती है। इनफैक्ट शरद पवार इज सेलेक्टेड इलेक्टेड फ्रॉम सोलापुर, तो वो सारा जो है फंडिंग वगैरह उधर डाइवर्ट करने की बात है, तो उसका विरोध होता है, और शुगर फैक्ट्रीज वगैरह काफ़ी फ्लरिश करें, जो कि वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो है वहाँ का सॉयल वेल तो सूटेड है, लेकिन इरीगेशन देखिए आप सब कुछ कर रहे हो तो वो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, और टर्मरिक का प्रोडक्शन भी होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया था अहमदनगर, अहमदनगर में ही आपका आर्ट एंड कल्चर देखे तो शिरडी का जो सनी जी, शिरडी का जो साईं का मंदिर है वो अहमदनगर में ही है। अब आपको इतना सुनकर लग रहा होगा कि शायद कि ये एक पार्टिकुलर महाराष्ट्र पे क्यों फोकस कर रहा है। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है ये आपके सामने, मैंने रखा आपके सामने क्वेश्चन रखा है यूपीएससी 2016 का, रीजन बताए हैं और फेमस प्लेस बताए हैं, आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन हुआ ये। बोधगया, क्या बोधगया बघेलखंड में है? चलिए आपको नहीं पता होगा शायद, बोधगया बघेलखंड में नहीं है, बोधगया मगध एरिया में आता है बिहार के, बघेलखंड तो आपके मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड के पास में, खजुराहो बुंदेलखंड में है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बोल दिया है कि छतरपुर, खजुराहो ये बुंदेलखंड में है, तो ये तो सही लगा लिया आपने, टू जान लिया कि होगा आंसर में।
तो आप किसको एलिमिनेट करोगे यहाँ पे? ओनली अभी तक आप एलिमिनेट करोगे 1, 3, 4, 5 को आपने एलिमिनेट कर दिया कि बुंदेलखंड हमें पता है। शिरडी क्या विदर्भ में है? अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, शिरडी कहाँ है? पश्चिम महाराष्ट्र में है। शिरडी क्या विदर्भ में था बताइए? विदर्भ में तो नागपुर वगैरह थे, गढ़चिरौली वगैरह थे। शिरडी तो अहमदनगर में डिस्ट्रिक्ट में है, और अहमदनगर कहाँ है? पश्चिम महाराष्ट्र में आता है। तो शिरडी क्या विदर्भ में है ये हमें पता है कि नहीं होगा, तो 3 भी काट दो आप। तो आपने 3 हटा दिया, ये 4 तो ऑप्शन हटा ही दिया था, तो आपने बी को एलिमिनेट कर दिया जहाँ पे 3 था, और डी को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था। खजुराहो आपको पता है, अब आंसर या तो 1, 2, 4 होगा, नहीं तो 2 और 5 होगा। नासिक जो है मालवा में है। क्या मालवा में? मालवा तो अपने मध्य प्रदेश का एरिया है, मालवा तो मध्य प्रदेश का एरिया है, लेकिन मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि नासिक कहाँ था? नासिक महाराष्ट्र में है, और उसके पार्टिकुलर किस रीजन में मैंने बोला है वो आप देख लेना एक बार। तो नासिक मालवा में नहीं है, तो 4 को एलिमिनेट करना है। ये भी एलिमिनेट कर दिया आपने, है ना? ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? 2 और 5। तिरुपति रयाल सीमा में है, और ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री में बहुत अच्छे से दी है, तो कृपया इसको वहाँ पर रेफर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलिमिनेट करके, नॉलेज का ऐसे यूज़ किया जाता है। तो आ जाइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मिनी खजुराहो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं उनका रेस्टोरेशन किया जाए, उनको थोड़ा ठीक किया जाए। तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया, मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है वहाँ पे, उसमें शिव, वैष्णव और शक्ति फेथ, तीनों फेथ के टेम्पल्स हैं, और किस स्टाइल में है? नगर स्टाइल में है। नगर स्टाइल का आपको डिटेल नितिन सिंह आने से पढ़ना है, लेकिन यहाँ जो है मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको रिविजन करने में मदद मिले। देखिए, सबसे पहले एंट्रेंस के स्टेप्स होते हैं, आप सीढ़ी से गए, उसके बाद एक अर्ध मंडप होता है जहाँ पे एंट्रेंस का पॉर्च होता है, छोटा सा पॉर्च एंट्रेंस के लिए, उसको अर्ध मंडप बोलते हैं। उसके बाद मंडप आता है जहाँ पे थोड़े ज़्यादा लोग असेंबल कर सकते हैं। उसके बाद महामंडप आता है जिसमें कि लार्जर असेंबली हॉल होती है। देखिए, आप एंट्रेंस लिया आपने, अर्ध मंडप में गए, मंडप में गए, और फिर महामंडप में गए, फिर एक गैलरी जैसी होती है, उसको बोलते हैं अंतराल, वेस्टिबुल, वहाँ से आप पैसेज करके जाते हो। आप कभी मंदिर जाओगे बड़े वाले में तो आपको रियलाइज होगा ये स्ट्रक्चर। फिर लास्ट में जब पुजारी अंत तक पहुंच जाता है तो उसको गर्भगृह बोलते हैं, सैंक्टम सेक्टोरम, वहीं पे मूर्ति वगैरह होती है। और अगर ये स्ट्रक्चर जो ऊपर की बात करें, सैंक्टम सेक्टोरम के ऊपर की स्ट्रक्चर हमारी बड़ी होती है, जबकि साउथ इंडिया के ये टेम्पल्स में वो छोटी की हुई रहती है, बाकी से उसका शिखर छोटा रहता है, हमारे में बड़ा रहता है। तो ये जो ऊपर पूरा स्ट्रक्चर होता है, मेन टॉपिंग जो होती है उसको अमलक बोलते हैं, यही प्योर एसेंस होता है, प्योर एसेंस यही होता है। उसके भी ऊपर लास्ट में एक लोटे जैसा बना होता है कलश, वो वाटर पॉट को ही सिंबलाइज करता है। ऑब्वियसली उसमें वाटर नहीं रखेंगे इसलिए बोल रहे हैं सिंबलिक है, लेकिन कलश वही है। ये पूरा जो आप देख रहे हो इसको शिखर बोलते हैं, और बीच में विंडोज होते हैं, बालकनी, बालकनीड विंडोज होते हैं, बालकनी बनी रहती है, आप वहाँ पे खड़े होकर नीचे का नज़ारा देखो भक्ति करने के साथ। जो वॉल्स होते हैं उनको जंघ बोलते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा साइड में बना हुआ प्लेटफॉर्म सीढ़ी के किनारे, उसको क्या बोलते हैं? जगती बोलते हैं। और यहाँ भी स्तूप की तरह गोल गोल घूमने की सुविधा है, उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं, वहाँ भी प्रदक्षिणा पथ बोल रहे थे। अगर बात करें हम अब मार्कंडेश्वर टेम्पल वगैरह की, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, सॉरी, जैसे खजुराहो में ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ना, तो यहाँ भी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इसीलिए हम लोग इसको मिनी खजुराहो भी बोल देते हैं, लेकिन ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है। बनाने का पीरियड भी ऑलमोस्ट सेम है, 9th से 12th सेंचुरी में इसका क्रिएशन किया गया था। इसमें टोटल जो है 24 डिफरेंट टेम्पल हैं, लेकिन जो मेन टेम्पल है जिसके लिए हम जाते हैं वो लॉर्ड शिव का है, और लॉर्ड शिव को हम लोग यहाँ पे मार्कंडेश्वर भी कहते हैं या मार्कंडदेव भी कहते हैं, इसलिए मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बोला गया है। जो गांव का भी नाम है वो है मार्कंड विलेज, और ये किसके बैंक पे है? वेन गंगा। अब वेन गंगा रिवर के बैंक पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वेन गंगा पेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है या आपको NCERT जो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की वहाँ से पढ़ना है, पढ़िए प्लीज़, या फिर राजतलिल मैम के लेक्चर देख लीजिए। इनको मिनी खजुराहो भी बोलते हैं, या फिर खजुराहो विदर्भ भी बोलते हैं, गढ़चिरौली विदर्भ में है इसलिए खजुराहो विदर्भ भी बोलते हैं, या मिनी खजुराहो बोल सकते हैं। इसमें शिव, वैष्णव और शक्ति फेथ, शक्ति बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं आई डोंट नो, हिंदी में तो शक्ति बोलते हैं लेकिन लिखा हुआ रहता है शक्ति, खैर तीनों फेथ के मिलते हैं। और ये प्रोबेबली किसी ने, मुझे लगता है कि साउथ के किसी ने नहीं, नॉर्थ के किसी ने इसको लिखा है, क्योंकि शक्ति में THI नहीं है, चलो कोई नहीं। और लास्ट बात ये कि इसमें नगरा ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी है विजन ने, मुझे पता नहीं क्यों दी है, बातें बनाने के लिए। लाइटनिंग का स्ट्राइक हुआ था 200 साल पहले, पार्शियल कोलैप्स हो गया था शिखर का, उसको रेस्टोर करने का ट्राई किया, वो भी ट्राई किया कि इसे गोंड रूलर ने, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया ना मैंने आपको विदर्भ में, तो वहाँ पे गोंड रूलर होते थे, आदिवासी रूलर होते थे, लेकिन शादियाँ वादियाँ ये बाकी क्षत्रिय वगैरह में भी करते थे, इनकी काफ़ी एक टाइम पे इमेज अच्छी थी, और वहाँ पे मुझे लगता है कि रानी प्रभावती ट्रेन वगैरह भी चलती हैं, वहाँ की गोंड रूलर थी बहुत बड़ी, उसका डिटेल मैं आपको NCERT पढ़ाऊंगा तो वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बृहदरेश्वर टेम्पल है। बृहदरेश्वर टेम्पल की डिटेलिंग तो मैंने तमिलनाडु में हद से ज़्यादा की हुई है, चोल एम्पायर में हद से ज़्यादा की हुई है, प्लीज़ प्ले लिस्ट में देखिए।
लेकिन अब न्यूज़ आ गई है कि उसका कुंभ अभिषेकम हो रहा था, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होती है ये, और ये 23 साल बाद हो रही है बृहदेश्वर टेम्पल में, तो इसीलिए टॉपिक यहाँ पे आ गया है। तो देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल की 23 साल बाद, 23 ईयर्स आफ्टर, बृहदेश्वर टेम्पल में कुंभ अभिषेकम हो रहा है। कुंभ अभिषेकम एक हिंदू टेम्पल्स का कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होता है, और कुंभ मतलब होता है हेड, और यहाँ पे हेड का मतलब इंसान का हेड नहीं है, टेम्पल का जो ऊपर का हेड है, शिखर है या क्राउन है, उसको कुंभ बोल रहे हैं। यूजुअली गोपुरम में होता है ये। गोपुरम क्या होता है, शिखर क्या होता है, ये द्रविडियन आर्किटेक्चर में आपको पढ़ना है, नितिन सिंघानिया में। और उसकी अभिषेकम मतलब रिचुअल बाथिंग करते हैं ना, उसी को बोलते हैं कुंभ अभिषेकम। बृहदेश्वर टेम्पल है किस भगवान के लिए, शिव जी के लिए है, और थंजावुर जिले तमिलनाडु में है, कावेरी के साउथ बैंक पे है। इसी कावेरी के बैंक के अराउंड जो है चोल किंगडम फ्लरिश हुआ था, तो वहीं उन्होंने अपने टेम्पल बनाए हैं। इसके और दो तीन नाम हैं, राजा राजेश्वर टेम्पल या राजा राजेश्वरम टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बनाया था राजा राजा वन ने, और साथ ही इसको पेरिया कोवली भी बोलते हैं। ये द्रविड स्टाइल का टेम्पल है जिसको बनाया था राजा राजा वन ने 1003 AD से 1010 AD के बीच में, मतलब 7 साल टाइम लिया था राजा राजा वन ने बनाने में। ये एक बहुत मैसिव टेम्पल है, लार्जेस्ट टेम्पल है। जब मैंने आपको तमिलनाडु का वो पढ़ाया है 11th क्लास का हिस्ट्री, तो मैंने वहाँ पे एक इसकी वीडियो भी डाली है कहीं डॉक्यूमेंट्री से, तो वहाँ पे आप काफ़ी डिटेलिंग है, वहाँ से देखिएगा पूरा, मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे नंदी वगैरह का भी। ड्रेविडियन आर्किटेक्चर बना हुआ है, पहले यहाँ भी बोला ऊपर, फिर ड्रेविड स्टाइल यहाँ भी बोला, पता नहीं क्यों रिपीटिंग करते हैं ये लोग। मैं ये नहीं पढ़ता कि डिफरेंट सोर्सेज से मत पढ़ो, आप ये नहीं कहता, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ो, लेकिन रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं चीज़ें यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। वहाँ भी पढ़ोगे यहाँ भी पढ़ोगे, टाइम वेस्ट नहीं करनी, डबल मजदूरी कभी नहीं। ओके, जो यूनेस्को का मैंने आपको पढ़ा रहा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो मैंने इंडिया में बताया था आपको चोल किंगडम के टेम्पल्स। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के जो नाम डाला है चोल किंगडम के टेम्पल्स, उसको उन्होंने बोला है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। उसमें एक तो आपका ये हो गया बृहदेश्वर टेम्पल, लेकिन और दो टेम्पल भी इसमें इंक्लूडेड हैं। एक है गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो यहाँ का राजा था चोल, वो जब नॉर्थ इंडिया में गया तो गंगा के अराउंड की वैली के सारे राजाओं को उसने हरा दिया। कोंडा मतलब होता है यही विजय लेना, तो इसीलिए उसने गंगा के सारे लोगों को हरा दिया, इसलिए उसने अपना नाम दे दिया गंगाईकोंडा, और जो टेम्पल बनाया वही उसने बना दिया गंगाईकोंडा चोलापुरम। अब आप नहीं भूलोगे कब क्यों क्यों बनवाया था। एक है ऐरावतेश्वर टेम्पल, तीन जो ये टेम्पल हैं, अच्छा गंगाईकोंडा चोलापुरम में एक तो टेम्पल हो गया, एक थंजावुर में हो गया जो कि आपका बृहदेश्वर है, और जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है वो दरासुरम में है। मैप में दिखा दिया, बहुत अच्छा इन्होंने किया है कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिविंग चोला टेम्पल्स। ये देखिए गंगाईकोंडा चोलापुरम है यहाँ पे, ठीक है, गंगाईकोंडा चोलापुरम प्रोबेबली नॉर्थ बैंक पे है कावेरी के, यहाँ कावेरी समंदर में मिलती है, और ऐरावतेश्वर थोड़ा बीच में, ये भी साउथ बैंक में माना जाएगा। अब ढेर सारे यहाँ पे उसके खुल रहे हैं निकलने के डिस्ट्रीब्यूटरी, तो कह नहीं सकते कहाँ क्या है, लेकिन ऐरावतेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, दरासुरम में है। गंगाईकोंडा चोलापुरम तो चोंडापुरम सिटी में ही है। थंजावुर में क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल ये साउथ बैंक पे है कावेरी के, ये तो आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे अब द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक इमेज देख लेते हैं। शिखर जो है उसको हम लोग विमान बोलते हैं, वहाँ पे शिखर टॉप को बोलते हैं, जो पूरा ये लॉफ्टी होता है उसको हम लोग विमान बोलते हैं, और उसके ऊपर के जो टॉप को बोलते हैं उसको शिखर बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये पूरे को शिखर बोलते हैं। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैंने बताया हुआ तमिलनाडु में। और बीच में यहाँ भी गर्भगृह होता है, सैंक्टम सेक्टोरम, यहाँ भी मंडप होता है, और बीच में कई गेटवेज बने होते हैं। आप जब साउथ इंडियन टेम्पल जाओगे तिरुपति वगैरह, 10 किलोमीटर चलोगे, पूरे 10 किलोमीटर में गोपुरम बने हुए, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े गेटवे होते हैं, और उस पर तरह तरह के मतलब दानव टाइप के दिखाए जाते हैं जिनको द्वारपाल बोलते हैं, ये सारा होता है वहाँ पे आर्किटेक्चर में। डिटेलिंग आप आराम से देख लेना नितिन सिंघानिया में। अब चलिए जब चोल की बात आई है तो चोल आर्किटेक्चर का डिस्कशन करते हैं। ये देखिए इनका जो आर्किटेक्चर है, जो भी है सारा जो आर्ट आर्किटेक्चर है, वो द्रविडियन स्टाइल का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, साउथ का है द्रविडियन स्टाइल का। लेकिन ये द्रविडियन स्टाइल वहाँ पे पहले से पल्लवा डायनेस्टी में भी चल रही थी। इनके काल में क्या हुआ, चोल के काल में ये सारा अपने परफेक्शन पे चला गया द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोल के बात करें, सैंक्टम सेक्टोरम जो टेम्पल का बनाते थे वो सर्कुलर भी होता था, स्क्वायर इन साइज भी होता था। तो एक फैक्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सैंक्टम सेक्टोरम जो था उनका, यहाँ पे जो बना रहे हैं, वो सर्कुलर भी हो सकता था, स्क्वायर इन साइज भी हो सकता था। इनके कुछ फेमस टेम्पल की बात बताएं तो एक तो चोलापुरम तो आपने जान ही लिया कि यूनेस्को के अंदर आता है। ये बनाया था राजेंद्र वन ने, जिनको कि गंगाईकोंडा भी बोला जाता था, यही आए थे नॉर्थ इंडिया में, सबको हराया, तो राजेंद्र वन ने बनवाया था। जो वहाँ पर डिस्कशन नहीं था, एक तो नर्थमलाई और कोडुम्बलूर है, ये दोनों टेम्पल आपके पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन की एक बार सुन लीजिए क्योंकि ये फाइन आर्ट में भी है, नितिन सिंघानिया में भी है, तो यूपीसी की मर्जी है, पूछ सकता। नर्थमलाई और कोडुम्बलूर टेम्पल जो हैं
पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में है। तमिलनाडु का पूरा मैप आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला, तमिलनाडु की जो मैंने कराई हिस्ट्री उसमें कवर्ड है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये नहीं लगेगी कुछ छूट रहा है, मैं ऐसे अदरवाइज मैं नहीं छोड़ता कुछ भी। श्रीनिवास वनलूर ये जो टेम्पल है ये तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम त्रिची भी बोलते हैं, NIT त्रिची भी वहीं पे है। डोम शेप्ड शिखर होता है इसका, और कलश जो होता है, जो शिखर बताया था मैंने आपको और जो ऊपर वाला बोलते हैं और जो कलश होता था लास्ट में, ये सब डोम शेप्ड होते हैं यहाँ पे, है ना। और ये खाली गर्भगृह वगैरह के अराउंड नहीं होते, जो अपने गेटवे बनाए हैं गोपुरम वहाँ भी होते हैं। इनफैक्ट जो हम अभी अभिषेकम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो जो हम कर रहे हैं वो गोपुरम के ऊपर वाले के ही कर रहे हैं। चोला टेम्पल जो है उनमें ऑर्नामेंटल वर्क और स्कल्पचर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट पेंटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, ज्वेलरी वगैरह टाइप की चीज़ें भी लगा देते हैं हम लोग, सोना वोना। इनके जो मंडप होते हैं वो पिलर्ड भी हो सकते हैं, तो अगर ऐसे मंडप की बात करें जहाँ पे ऐसे टेम्पल की बात करें जहाँ पे मंडप जो है वो पिलर्ड है, तो वहाँ पे उसकी भी डिवीज़न की गई है साउथ में, अर्थ मंडप, अर्ध मंडप को, यहाँ चूँकि साउथ हैं तो टी तो आएगा ना, एच तो आएगा, अर्थ मंडप, महामंडप और लास्ट में नंदी मंडप, नंदी बुल वगैरह का भी वहाँ पे हमेशा डिपिक्शन होता है शिव जी के टेम्पल्स में। स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शन आपको बहुत मिलेंगे क्योंकि राजा थे ये लोग बड़े बड़े, तो अपने बारे में लिखवाते थे सबके बारे में। स्टोन का और मेटल का स्कल्पचर आपको बहुत मिलेगा, ब्रॉन्ज वगैरह का बहुत ज़्यादा चोला टेम्पल में। सीन कहाँ के दिखाते हैं ये लोग उसमें, रामायण के, महाभारत के, पुराण के। इसके अलावा लाइव्स ऑफ जो अलवार और नयनार थे, आपको पता होगा तो वहाँ पे नयनार जो थे वो 63 थे, उनकी लाइफ को भी डिपिक्शन करते हैं। विजन ने इसको नयनमार लिखा है, वेरी गुड। मार्स मिशन भी हो गया साथ में इनका, बहुत एरर्स हैं यार, वो भी नैरेटिव स्टाइल में, नैरेटिव स्टाइल आपको पता है अब तो अच्छे से पैनल पे दिखाया गया है। नटराज के स्कल्पचर की अगर बात करें, जो कि चोल किंगडम में 12th सेंचुरी के अराउंड नटराज का स्कल्पचर बहुत मिलता है, उसकी पूरी यहाँ पे डिटेलिंग है, ये नितिन सिंघानिया में भी है, मैं यहाँ से भी पढ़ूंगा, ठीक है थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाना चाहूँगा। देखिए ये नटराज की इमेज है, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ये फ्लेम्स ऑफ फायर हैं, वो सिंबलाइज करते हैं डिस्ट्रक्शन को, डिस्ट्रक्शन को। ये कॉस्मिक डांस करते हैं, तांडव कॉस्मिक डांस है, यूनिवर्स का डांस है, तो ये डिस्ट्रक्शन के फ्लेम्स हैं। और इसके बीच में जो तोरण यहाँ बना हुआ है वो आर्च ऑफ फ्लेम्स हैं, वो यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन है और साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ को डिनोट करते हैं। यहाँ पे इनके क्रिसेंट मून बना हुआ है, वो बताता है टाइम साइकिल थ्रू विच क्रिएशन अनफोल्ड्स, पूरा टाइम साइकिल एरा क्रिएशन अनफोल्ड कर रहा है वो, इसको क्रिसेंट मून बताता है ना। फिर यहाँ पे गंगा फ्लो करती है उनके बालों से, वो ये बताता है कि गंगा का जो फ्लो है पवित्र है, वो आपकी इग्नोरेंस को रिमूव करेगा। यहाँ इनके लेफ्ट हैंड में ऊपर वाले में फ्लेम ऑफ फायर है, सॉरी नीचे वाले में, एक तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे आ रहा है और जो एक लेफ्ट हैंड यहाँ पे उसमें फ्लेम ऑफ फायर है, वो डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करता है। यहाँ पे उन्होंने एक छोटे से ड्वार्फ डीमन को, ड्वार्फ बताने का मतलब है कि ये भगवान के सामने, यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जी के सामने ड्वार्फ डीमन कुछ नहीं होता, उस डीमन का नाम दिया गया अपस्मरा, इसको त्रिदुला माया लेखिया भी बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, सिंबलिक है ये, मीनिंग क्या है, डार्कनेस है, इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस, आप जो लेजी हो, गलत काम करते हो, यही है वो अपस्मरा। और शिव जी इसको अपने कौन से लेग से दबा रहे हैं, आपको याद रखना है राइट लेग से दबा रहे हैं, लेफ्ट लेग इनका रेज किया हुआ है। एक लोटस का पेडेस्टल बना हुआ है, आपका रिबर्थ बताता है, रिबर्थ होगा आपका, ये लोटस का पेडेस्टल बताता है। चलिए आइए फिर कि डिटेलिंग क्या है, शिव एज नटराज परफॉर्म्स नटना या डांस, और डांस दो तरह के होते हैं, आपको खाली तांडव पता होगा शायद, एक तो लस्य डांस होता है, तांडव डांस होता है। लस्य डांस होता है क्रिएशन और तांडव डांस होता है डिस्ट्रक्शन, हमेशा क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। इनकी कॉस्मिक डांस जो है पूरे यूनिवर्स को, थके हुए यूनिवर्स को, कल को सन खत्म हो जाए, ब्लैक होल बनने लगे, तो वो डिस्ट्रक्शन हो गया, उसी को सिंबलाइज कर रहा है। और फिर वो आपको पता होगा नया तारा पुराने तारों के टूटे टुकड़ों से बनता है, कई बार मैंने आपको पढ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, डिटेलिंग की है मैंने। तो जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसी से वे आउट बनता है क्रिएशन का या रीबर्थ का, यही उनका कॉस्मिक डांस लस्य और तांडव डिपिक्ट करता है। ये उनके आर्म्स एंड लेग्स जो हैं वो ऑनर करते हैं ड्यूअलिटी को, रिवीलिंग और कंसीलिंग को, रिवील भी करना है, कंसील भी करना है। और जो हाथ ये देख रहे हो आप अभय मुद्रा में है, इसी हाथ के साथ इनका जो है लेफ्ट हाथ भी यहाँ भी है, दोनों मिलकर साथ में कंबाइन करके आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ इनके गले में नाग जो है, स्नेक जो है, थ्री टाइम्स वाउंड है। थ्री टाइम्स वाउंड का मतलब क्या होता है, काल, टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को डिपिक्ट कर रहा है। ऑल्सो शक्ति, पावर, जो शक्ति होती है फीमेल डेटी जो है हमारे इंडियन कल्चर में, उसका मतलब पावर होता है।
एक स्मॉल ड्रम है इनके हाथ में, यहाँ पे डमरू है राइट साइड में, वो एक रिदमिक वाइब्रेशन को बताता है। और हमारा रिदमिक वाइब्रेशन कौन है जिसका हम नाम लेते हैं उसमें, ओम, इसी को ये डमरू बताता है। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम विजन में जो दिया हुआ वो भी देख लेते हैं। शिव इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड क्रिएशन ऑल्सो, ठीक है, विथ विच दिस डांसिंग पोजिशन इन नटराज इज एसोसिएटेड। लस्य अभी हमने सीख लिया, तांडव भी सीख लिया, इन्होंने खाली तांडव की बात की है। शिव को यह दिखाया जा रहा है कि वो बैलेंस करने अपने आप को राइट लेग पे, और उसी बैलेंसिंग के दौरान वो अपस्मरा को, जो कि डीमन है इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस का, उसको उसी सेम लेग से वो दबा रहे हैं। उनका जो लेफ्ट लेग है वो रोइज किया हुआ है, कौन से मुद्रा में, ये यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, भुजंग त्रसिता मुद्रा में, स्टांस में, भुजंग त्रसिता मुद्रा में। इसको ये क्या को रिप्रेजेंट करता है, तिरोभवा को। तिरोभवा का मीनिंग क्या होता है, किकिंग अवे द वेल ऑफ माया और इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। माया इल्यूजन को खत्म करना ही त्रिभुवा कहलाता है, और उसके लिए जो उनका लेफ्ट लेग का जो स्टांस है वो भुजंग त्रसिता स्टांस में है, और तिरोभवा को बताता है कि जो डिवोटी है उसके माइंड से माया या इल्यूजन खत्म हो जाए। इनके फोर आर्म्स हैं यहाँ पे, वो आउट स्ट्रेच किए हुए हैं, और मेन जो है राइट हैंड जो है वो अभय हस्त में है, आपको बताया हुआ है मैंने, जेस्टर सजेस्टिंग डरो मत, है ना। उसके साथ द अपर राइट हैंड होल्ड्स द डमरू हिज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू कीप ऑन द बीट ताल। ये बीट ताल क्यों किया पता नहीं, आप तो याद रख लीजिए कि वाइब्रेशन है, कॉस्मिक वाइब्रेशन है वो। अपर लेफ्ट हैंड जो है उसमें फ्लेम है, मैंने आपको दिखाया था, और मेन लेफ्ट हैंड जो है डोल हस्त में अभय वाले हस्त को कनेक्ट कर रहा है, ये दिखाया था ना आपको, इधर तो फ्लेम है और एक हाथ इधर भी आया हुआ, देखिए अभय वाले के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यही चीज़ को उन्होंने यहाँ पे बोला है, सीख लिया आपने। लास्ट में क्या बता रहे हैं, हेयर लॉक पे जो हेयर लॉक की बात करें, हिज हेयर लॉक फ्लाई ऑन बोथ द साइड्स टचिंग द सर्कुलर ज्वालामाला और गारलैंड ऑफ फ्लेम्स। ज्वालामाला गारलैंड ऑफ फ्लेम्स हैं उनके अराउंड, और उससे एंटायर डांसिंग फिगरेशन बनती है, सराउंड करती है और एंटायर डांसिंग फिगरेशन। क्योंकि किसको बोल रहे हैं, देखिए यही, ये पूरे को बोल रहे हैं ज्वालामाला, ठीक है, कोई खास बात नहीं। चोला आर्ट के बारे में एक और बात जान लीजिए कि इन्होंने डांस किया था, इनके टाइम पे डांस जो होता था वो भरतनाट्यम और कथकली, तो ये दोनों तमिलनाडु से हैं, भरतनाट्यम और कथकली। कथकली तो इनफैक्ट केरला में भी है ना शायद, हाँ केरला कहीं है शायद, तो खैर भरतनाट्यम और कथकली डांस इनके जो थे कोर्ट में फेमस डांस थे उस समय पे, केरला तमिलनाडु ऐसे डिवाइडेड थोड़े ना था, तो भरतनाट्यम और कथकली इनके कोर्ट में ये डांस होता था। लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉर्ड शिवा वाज रिप्रेजेंटेड एक्सपोनेंट ऑफ कर्ण डांस, नहीं सॉरी, एक यहाँ पे कर्ण डांस भी था, कर्ण डांस का माना जाता था कि लॉर्ड शिवा ने खुद उसकी बनाई थी कर्ण डांस की, तो उस ये भी डांस होता था वहाँ पे। अब एक टेम्पल है चिदम्बरम में, नटराजार टेम्पल, ऑब्वियसली नटराज की बात हो रही, तो नटराजार टेम्पल जो चिदम्बरम में है, और फिर एक टेम्पल है सरंगपानी, वो है कुंभकोणम में, इनमें जो है लॉर्ड नटराज का डांसिंग पोज दिखाया हुआ है। छोटी सी डिटेल है, नटराज टेम्पल चिदम्बरम में और सरंगपानी जो है कुंभकोणम में, वहाँ पे नटराज का डांसिंग फिगर आपको दिखेगा। ये लोग ड्रामा भी करवाते थे, तो राजा राजेश्वरम नाटकम और राजा राजा विजयम जो इनके फेमस ड्रामाज हैं, इसी टाइम में फेस्टिवल वगैरह में ये ड्रामा होता था, जैसे आप लोग रामलीला करते तो वहाँ पे राजा राजेश्वर नाटकम और राजा विजयम, सब कुछ इन्हीं के नाम पे होना है। पेंटिंग्स की बात करें तो आप चले जाइए वहाँ पे, पेरिया पुराणम की पेंटिंग होती थी, पेरिया पुराणम वहाँ की किताब है, तो उसके सीन्स होते थे पेंटिंग में, जो भी वहाँ पे उल्लेख था किताब में उसके सीन होते थे पेंटिंग में। और वो आपको कहाँ मिलेंगे, कांचीपुरम के कैलाशनाथार टेंपल में मिल जाएंगे, और मलैया डिपट्टी के विष्णु टेंपल में मिल जाएंगे, और ये उनके फाइन स्पेसिमेन हैं चोला पेंटिंग के। तो चोला पेंटिंग का एग्जाम्पल पेरिया पुराणम के हिसाब से डिपिक्शन करना, कैलाशनाथार टेंपल जो कि कांचीपुरम में है, और विष्णु टेंपल जो कि मलैया डिपट्टी में है। अब कुछ और न्यूज़ आई है, अदर आर्किटेक्चर फॉर्म्स इन न्यूज़, ये लास्ट टॉपिक है हमारा ये आज का, तो इसको देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है सुरंग बावड़ी, सुरंग बावड़ी मैं पढ़ाऊँ उसके पहले मैं विकिपीडिया पे चलूँगा। देखिए ये महाराष्ट्र और कर्नाटका का कंबाइंड पहले का मैप है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लाइट ब्लू देख रहे हैं ये बीजापुर है, यहाँ पे एक आदिल शाह डायनेस्टी थी जो कि शिया मुस्लिम की डायनेस्टी थी। ये पहले तो अंदर आते थे किसके, बहामनी किंगडम के, लेकिन बाद में शाह ने इनको अपने को यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर लिया बीजापुर में और अपनी किंगडम बना ली। तो जो डायनेस्टी फाइंड करने वाले थे वो यूसुफ आदिल शाह थे, वो सल्तनत ऑफ बीजापुर उन्होंने छोटा सा बनाया था, और प्रेजेंटली वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में आता है, डेक्कन रीजन में, ये साउथ इंडिया में था। इसका जो काल था वो 1489 से 1686 था। बीजापुर पहले तो प्रोविंस था बहामनी सल्तनत का, जो कि सल्तनत कब से चली थी, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1347 से 1518 तक चली थी, और उसका फिर पॉलिटिकल डिक्लाइन हो गया, तो 15 सेंचुरी में जब ब्रेकअप हो गया तो 1489 से 1686 तक बीजापुर वाले पार्ट में
ये चली आदिल शाह डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत की थी यूसुफ आदिल शाह ने शिया डायनेस्टी। बाद में बीजापुर सल्तनत जो है अब्जॉर्ब हो गया मुगल एम्पायर में 1686 में, जब औरंगजेब ने इस पर कब्जा किया। यही जो बीजापुर की डायनेस्टी थी वो एक सबटेरेनियन, मतलब जमीन के अंदर सुरंग से पानी सप्लाई करते थे। देखने में देखिए ऐसा लगता है आपको, काफ़ी कौतूहल हो रहा होगा, कितनी खास चीज़ है, ऐसा ही दिखता था। यही है सुरंग बावड़ी, इसी का रेस्टोरेशन करने की बात हो रही है न्यूज़ में। तो सुरंग बावड़ी इसलिए न्यूज़ में है कि एक NGO है वर्ल्ड का, जो कि मॉनिटर करता है पुराने जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके रेस्टोरेशन की। तो वो जो NGO है उसका नाम है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड, एक NGO है। उन्होंने जो सुरंग बावड़ी है उसको सेलेक्ट किया है, एंशियंट वाटर सिस्टम ऑफ द डेक्कन प्लेटू है ये, बता ही दिया आपको कौन सी डायनेस्टी की बात, आदिल शाह डायनेस्टी की बात। तो वे सुरंग बावड़ी बनाते थे, उनके एंशियंट ये वाटर सिस्टम को ये रेस्टोर करेगा। कौन करेगा? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड, जो कि एक NGO है, एंशियंट मॉन्यूमेंट को रेस्टोर करता है। सुरंग बावड़ी जो है एक पार्ट है एंशियंट कारेज सिस्टम का। कारेज सिस्टम जो है इसका मतलब ये होता है कि सब टेरेनियन टनल बना के वाटर सप्लाई करना, और ये मेनली जो है मिडिल ईस्ट में होता था, लेकिन इंडिया में कारेज सिस्टम आपको बिदर में मिल जाएगा, गुलबर्ग में मिल जाएगा, और बीजापुर में मिल जाएगा, कर्नाटक में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी मिल जाएगा। देख लीजिए, कर्नाटक के 3 डिस्ट्रिक्ट बिदर, गुलबर्ग और बीजापुर में आपको एंशियंट कारेज सिस्टम मिल जाएगा सबटेरेनियन वाटर टनल सप्लाई करने का। महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश के अपने बुरहानपुर में भी मिल जाएगा, और अभी अभी मैंने आपको बताया था खंडेश एरिया में मध्य प्रदेश का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर आता है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। ये बनवाए कब गए थे इंडिया में? ये बनवाए गए थे आदिल शाह डायनेस्टी द्वारा। यहाँ पे आदिल शाह डायनेस्टी की छोटी सी डिटेलिंग है, मैंने आपको इससे ज़्यादा बता दिया है। नेक्स्ट चले आइए बेलम केव्स पे। ये न्यूज़ में क्यों आए थे जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना जान लीजिए कि कोई आज डिस्कवर नहीं हुआ, काफ़ी 100-200 सालों से ब्रिटिश के टाइम से जाना हुआ है। बेलम केव जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आप जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केव है। इसको आंध्र प्रदेश मतलब तेलुगु लैंग्वेज में बेलम गुहालू बोलते हैं, कहीं ना कहीं गुफा टाइप का लग रहा है ना, गुहा गुफा। तो बेलम केव्स को बेलम गुहालू बोलते हैं तेलुगु में। सेकेंड लॉन्गेस्ट केव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरे, मतलब इंडिया पाकिस्तान सब कुछ मिला दो, नेपाल वगैरह, तो सब में सेकेंड लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? वो भी इंडिया में ही है, मेघालय में एक केव है क्रेमलियात प्राह केव्स। ये जो पूरे सब कॉन्टिनेंट है इंडियन उसमें सबसे लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट नहीं बोलना चाहिए, ग्रामेटिकली रॉन्ग, लॉन्गेस्ट केव यही है क्रेमलियात प्राह मेघालय का। दो बातें बताऊंगा, एक तो कि जैंतिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है ये क्रेमलियात प्राह मेघालय का केव लॉन्गेस्ट, दूसरा कि बेलम केव जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट है। जहाज महल की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में एक जगह है थोड़ी ऊंचाई पे बनी हुई है मांडू, मांडू में काफ़ी आर्किटेक्चर वगैरह आपको मिल जाएगा, इसके अलावा लोटस टेम्पल वगैरह। जो जहाज महल है वहाँ पे वो 2-स्टोरी शिप पैलेस बोलते हैं उसको, क्योंकि ये देखने में इसका स्ट्रक्चर जो है वो शिप की तरह दिखता है, जिसमें कि 2 टीयर्स हैं, तो 2-स्टोरी शिप की तरह दिखता है, इसके लिए शिप पैलेस या जहाज महल बोलते हैं। और ये लोकेटेड है मांडू मध्य प्रदेश में। मांडू जो है मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मालवा रीजन है जो सेंट्रल इंडिया में काफ़ी डेवलप्ड रीजन है, जिसमें इंदौर वगैरह भी आते हैं, और उसका स्प्रेड खाली मध्य प्रदेश में नहीं है, साउथर्न राजस्थान में भी है। इसको जो है एक और कारण है शिप पैलेस बोलने की, कि दो पहले वाटर के रिजर्वायर बना दिए, और जो है उसके बीच में ये बना दिया पैलेस, काफ़ी खूबसूरत लगे। और बनाया था किसने? सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनाया था, 1469 से 1500 के बीच में उनका राज था। पॉसिबली वो यहाँ पे अपना मतलब लड़कियाँ वगैरह रखते थे, हरम जो होता है, और वहाँ पे आते थे, एंजॉय करते थे। शिप पैलेस में दोनों तरफ पानी और नारियाँ, जो भी इनकी इच्छा हो, खैर अपनी मर्जी है। मांडू मध्य प्रदेश की बात करें तो धार डिस्ट्रिक्ट के पास में है और मालवा रीजन में है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे पड़ेगा मांडू, यहीं पे इंदौर वगैरह भी, एक काफ़ी डेवलप्ड एरिया है ये पूरा, और क्योंकि ये दोआब रीजन है ना, नर्मदा ताप्ती के कारण ये दोआब रीजन है, काफ़ी डेवलप्ड रीजन है। बस इतना था। और नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कॉपी किया गया है ताजमहल को। ये अच्छा, मांडू का जो जहाज महल मैंने आपको दिखाया नहीं, तो कोई देखने की चीज़ है नहीं, इतना भी इमेज मत देखिए कि इमेजरी ही चले जाए और टेक्स्ट भूल जाइए। बीबी का मकबरा एक मुसोलियम है, और माना जाता है कि प्रिंस आजम शाह जो थे औरंगजेब के बेटे, उन्होंने अपनी मदर दिलरास बानू बेगम की याद में बनवाया था बीबी का मकबरा। ये वही है जहां अजंता और एलोरा है, तो मतलब कि कहां है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के पास में ही है, मैं वहां भी गया था। और जो दिलरास बानू बेगम है उनका एक और नाम राबिया अल दुर्रानी है, UPSC कभी नहीं पूछेगा, UPSC विल आस्क यू बीबी का मकबरा कहां है, दैट्स इट। ये 1651 से 1661 के बीच में इन्होंने मरवाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ताजमहल ऑफ द डेक्कन भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा रिजेम्बलेंस है इसका ताजमहल के साथ। ये बीबी का मकबरा की इमेज है,
तो सस्ता सा ताजमहल अपना छोटा सा, ओके ये हो गया। अब चलिए सिरसाज का थेर माउंड। देखिए आर्कियोलॉजिकल जो माउंड होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इस बीच में जो माउंड वगैरह दिख रहा है घरों के बीच में, तो आपको ये इमेज देखनी है, सिरसा का थेर माउंड ऐसा दिखता है। अब हरियाणा का मैप क्या दिखाऊँ, छोटा सा तो चुटकी भर का स्टेट है वो। सिरसा के थेर माउंड के बारे में सुनिए कि सिरसा जो है हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, सबको पता है काफ़ी वायलेंस वगैरह होता है मौके पर। वहाँ पर एक माउंड है और बिलीव किया जाता है कि अगर इस माउंड को आप थोड़ा और खोदें, थोड़ा और नीचे जाएं, तो आपको एंशियंट सिटी सरिशिका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिरसा जो पहले सरिशिका माना जाता है कि था, तो ये टाउन जो था हरियाणा में है, और ये माना जाता है कि एंशियंट जो ट्रेड रूट था आपका, तक्षशिला जाने का जो रूट था, उस रूट पे ये था। तो ये करने के साथ हमारा विजन का पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर का 8th फेज हो गया है, काफ़ी इजीली हुआ है, और अब मैंने आपको काफ़ी डिटेलिंग भी दी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट में हम लोग पेंटिंग एंड अदर आर्ट फॉर्म शुरू करेंगे। और अगर आपको प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, तो आप थोड़ा लाइक कर दीजिए। व्यूज़ बहुत आते हैं, ड्यूरेशन तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन लाइक उसके हिसाब से नहीं आते। आपको तो लाइक करने में एक बटन प्रेस करना होता है। दैट ओनली द थिंग विच शोज दैट यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स एंड मोटिवेट्स अस, राइट। अदरवाइज़ क्या है हमारे पास सिस्टम, आप बताओ। आप देख रहे हो सकता है कि आप अच्छा नहीं लग रहा हो, टाइम पास कर रहा हूँ, तो लाइक करो ताकि हम और मोटिवेट हैं। मैंने जैसे इसमें ब्रीफिंग करनी वगैरह शुरू की है ताकि आपको मदद मिले चीज़ें रिटेन करने में। तो ये चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट तब करते हैं जब हमें लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे भी मैं ब्रीफिंग करूँगा लास्ट में कि अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट, पहले ये दोनों का तो हो गए थे पिछले वाले लेक्चर में, तो उसकी नहीं करूँगा। अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट क्यों है, क्योंकि हमको एक वहाँ पे मिला है पिलर, और हमने देखा कि वो इक्ष्वाकु काल का अमरावती स्कूल ऑफ द आर्ट था। स्टुको स्कल्पचर की बात क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एक स्टुको मिला है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज तक का सबसे बड़ा स्टुको का स्कल्पचर मिला है। मिनी खजुराहो की बात इसलिए की है क्योंकि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल्स का रेस्टोरेशन होना है, वो मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, उनको विदर्भ का खजुराहो भी बोलते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि कुंभ अभिषेकम होनी है बृहदेश्वर टेम्पल में, ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड चोल टाइम के टाइम पे बना हुआ टेम्पल है। अदर आर्किटेक्चर फॉर्म्स इन न्यूज़ में जो बावड़ी वगैरह थे और हरियाणा का सरिसिका वगैरह था, बीबी का मकबरा था, छोटे छोटे न्यूज़ में आए थे, वो हमने कवर कर लिया। तो ये लेक्चर यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। आप प्लीज चैनल को अगर आप अभी तक सर्च करके देख रहे हैं तो ना करें, प्लीज़ बेल आइकन दबाएँ और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज़ टेक केयर, स्टडी अलॉट। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।